महाराष्ट्र की जनता की जय हो। उसने तोड़फोड़ छल कपट की राजनीति पर सहमति व्यक्त की है। उसने बताया है कि अडानी सच्चाई और ईमानदारी के पर्याय हैं और उनका काम करने का तरीका बहुत ही नैतिक और कानून सम्मत है। महाराष्ट्र नागरिक खुश हो सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सेठ को अगले 5 साल तक खुली लूट की छूट दे दी। महाराष्ट्र की जनता ने गुजरात द्वारा महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट छीनना भी जायज ठहराया है। उसने इस पर भी मुहर लगा दी है कि बंटेंगे कटेंगे की राजनीति में उसका पूरा विश्वास है। अडानी जी बधाई के सबसे बड़े हकदार हैं। अब धारावी और मुंबई पर पूरा कब्जा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यही नहीं, अब पूरा महाराष्ट्र उनकी मुट्ठी में होगा। भले ही उनके काले कारनामे दुनिया भर में चर्चित कुचर्चित होते रहे, मगर भारत में उनका जलवा कम नहीं होने वाला है। मोदी हैं तो मुमकिन है। आज के नतीजों का दूरगामी असर महाराष्ट्र के साथ साथ राष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ेगा। बड़े बदलावों पर नजर रखिए, क्योंकि साल 2014 में जब मोदी लहर थी, तब बीजेपी को महाराष्ट्र में 120 सीट मिले थे। इस बार के लोकसभा में जनता ने अपना गुस्सा दिखाया, तो फिर ऐसा नतीजे कैसे सामने आए? 3 माह के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट के विधायकों का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगा और ये दोनों झोला उठा के अकेले रह जाएंगे। महाराष्ट्र में शर्मनाक हार के लिए हालांकि महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक जिम्मेदार हैं, मगर सबसे ज्यादा दोषी कांग्रेस है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सबसे बुरा स्ट्राइक रेट उसी का है। कांग्रेस लगातार एक गलती दोहरा रही है। वह ज्यादा सीटें लड़ने के लिए झगड़ा करती है, मगर जीतती बहुत कम है। बिहार में तो महागठबंधन की सरकार उसकी इसी जिद की वजह से नहीं बन पाई थी। नाना पटोले ने जो झगड़ा किया, उसका भी गलत संदेश गया। फिर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट न करने देना भी उसकी बड़ी गलती थी। कांग्रेस के नेताओं को वहम हो गया था कि कांग्रेस जीत रही है और उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो मुख्यमंत्री उसका क्यों नहीं होना चाहिए।